बरेली में एक महिला की घर में ही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद मायके वालों ने पति और ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना मीरगंज क्षेत्र के गांव सिरोदी अंगदपुर निवासी सुखलाल की 30 वर्षीय पत्नी सावित्री की बीती रात घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। रामपुर के खजूरिया थाना क्षेत्र के गांव रुस्तमपुर निवासी मृतका के पिता राम अवतार ने पति और ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए बताया कि उसने सावित्री का विवाह सन 2012 में किया था और वो दो बेटियों की माँ थी। उसके कोई भी बेटा ना होने के कारण पति और ससुराल पक्ष के लोग उससे नाराज रहते थे और पति अक्सर उसके साथ मारपीट करता था। ससुराल पक्ष के लोग उसे बचाने की कोशिश नहीं करते थे। 3 दिन पहले भी उन्होंने उसके साथ मारपीट की थी और कहा था कि 2-3 दिन में उसका काम तमाम कर देंगे। ये बात सावित्री ने अपने पिता को बताई थी और बीती रात सावित्री की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद मायके वालों को सूचना भी नहीं दी गई। बरेली में शराब के आदी एक युवक की गांव के पास से गुजर रही रेलवे लाइन पार करते वक्त ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। थाना सिबीगंज क्षेत्र के गांव गुररिया चक्की निवासी गंगाराम पुत्र हीरालाल की बीती रात गांव के पास से गुजर रही रेलवे लाइन पर ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। पोस्टमार्टम हाउस पर मृतक के घर वालों ने बताया कि गंगाराम शराब का आदी था और अविवाहित था। वो लगभग 8 दिन पहले हिमाचल प्रदेश से काम करके घर वापस लौटा था। वो घर में नहीं रहता तो और घर से कुछ ही दूरी पर रेलवे लाइन के पास उसने झोपड़ी बनाई थी, वहीं पर रहता था। बीती रात वहां से घर आते समय उसकी ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। सुबह होने पर लोगों ने उसकी लाश को रेलवे लाइन पर देखा और घटना की जानकारी घर वालों को दी। मौके पर पहुंचे घर वालों ने पुलिस को सूचना दी, जिसने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना प्रेमनगर क्षेत्र के कोहड़ापीर स्थित एक मस्जिद के बाहर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जोरों से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग मस्जिद के कमरे पर कब्जे को लेकर मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं वीडियो में मस्जिद मौलाना के साथ कुछ लोग मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरी घटना का वीडियो वहीं खड़े किसी व्यक्ति ने बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। दोनों इनको दिए थे। सलाम साहब को मारा इन्होंने, सलाम भाई ने वीडियो बनाओ यार, क्या करूँ यार, इमाम साहब को क्यों मारा यार, ताला डालो, ताला दे तो दिया बाल भाई के पास ताला।